सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, वन मोल ऑफ आइडियल मोनोटोमिक गैस, एंड यू नो मोनोटोमिक गैस के लिए गामा 5/3 होता है, इज मिक्स्ड विद वन मोल ऑफ डायटोमिक गैस और उसके लिए गामा 7/5 होता है. नहीं भी दिया होता तो यू शुड नो व्हाट इज गामा फॉर द मिक्सचर. गामा डिनोट्स द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू दैट ऑफ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. हमको ऑलरेडी पता है. तो सबसे पहले वॉट यू मस्ट नो इज When you mix two gases, तो gamma mixture becomes N1 gamma 1 upon gamma 1 minus 1 plus N2 gamma 2 upon gamma 2 minus 1 upon N1 gamma 1 minus 1 plus N2 gamma 2 minus 1. ये है आपका formula. ये कैसे आता है? आई लिव इट ऑन टू यू. इजी है डेरिवेशन इसका, इजी है, बट आई लिव इट ऑन टू यू बिकॉज आई वांट यू टू वर्क इट आउट. ऑलराइट, तो गामा मिक्सचर इज दिस. अब हमको बताया है N1 की वैल्यू 1, क्योंकि बोला है 1 मोल ऑफ गैस और मोनाटोमिक गैस. गामा 1 की वैल्यू 5/3, N2 की वैल्यू 1, गामा 2 की वैल्यू 7/5, सब दिया है. सिर्फ तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. So you just have to put values and that's it. Okay. Right. So we just have to substitute values. So gamma mixture will be equal to N1 is 1. Gamma 1 is 5/3 upon 5/3 minus 1 plus 1 7/5 upon 7/5 minus 1 upon 1 upon 5/3 minus 1 plus 1 upon 7/5 minus 1. इसको सिर्फ सॉल्व करना है हम लोगों को. सो दैट इज 5/3 जो है 5/3 माइनस 1 इज 2/3. सो 5/3 बाई 2/3 प्लस 7/5 बाई 2/5 अपॉन यही 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/5. तो 3/3 कैंसिल, 5/5 कैंसिल, तो नीचे तो 2 है, तो ये आपका आ जाएगा 5 प्लस 7/2 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था अपॉन 3/2 प्लस 5/2. तो ये 12/2 ऊपर, नीचे 8/2, तो बाय 2/2 भी गया बेसिकली. तो 12/8 इज 3/2 बेसिकली, है ना. तो ऑप्शन नंबर ए. तो यू हैव gamma mixture, new gas with gamma as 3/2. Simple. Let's go to next question. This is of the same type. Just a minute, I'm not able to move it here. Yep. Okay, so next question, question number 8. A gaseous mixture contains equal number of hydrogen and nitrogen molecules. Specific heat measurement on this mixture at temperatures below 100 Kelvin would indicate that the value of gamma for this mixture is. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे according to the question same number of molecules है. That means number of moles are same. ओके, दूसरा बिलो 100 केल्विन बोला है, तो बिलो 100 केल्विन हमेशा सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, मतलब मॉलिक्यूल रोटेट नहीं हो सकता. तो यू हैव टू नो दिस, बिलो 100 केल्विन देयर इज ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इससे क्या हुआ फिर? बिकॉज यू हैव ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यू मस्ट नो दैट दिस गैसेस विल एक्ट एज इफ दे आर मोनोएटॉमिक गैस, क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस में सिर्फ ट्रांसलेशन होता है, रोटेशन और रिवर्शन नहीं होता है. तो यहाँ पे भी वही होगा, मतलब गामा 1 इक्वल टू गामा 2 हम लोग 5/3 लेंगे. 5/3 आता ना, अभी देखा लास्ट एग्जाम्पल में. तो भले ही हाइड्रोजन गैस या फिर नाइट्रोजन गैस भले ही डायटोमिक हो, इन दिस केस दे विल बिहेव एज इफ दे आर
मोनोटॉमिक, क्योंकि बिलो 100 केल्विन द एनर्जी सप्लाइड इज नॉट सफिशिएंट इनफ फॉर द पार्टिकल मॉलिक्यूल टू गो इनटू रोटेशन और वाइब्रेशन बेसिकली. सो दे विल एक्ट एज दैट इज दे विल एक्ट एज एक्ट एज व्हाट मोनोटॉमिक गैस. अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेसिकली यू नो अगर आपको गैस को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव करना है, मतलब ट्रांसलेशन करवाना है तो यूनिट एनर्जी, अगर मॉलिक्यूल को रोटेट करवाना है तो यूनिट एनर्जी, तो 100 केल्विन से कम इतना एनर्जी है ही नहीं कि दैट दिस शुड गो इनटू रोटेशन. अब हमको पता है गामा मिक्सचर का फॉर्मूला, गामा मिक्सचर का फॉर्मूला अभी लिखा था, अभी याद होना चाहिए आपको. एन वन गामा वन अपॉन गामा वन माइनस वन प्लस एन टू गामा टू गामा टू माइनस वन अपॉन एन वन गामा वन माइनस वन प्लस एन टू गामा टू माइनस वन. ये तो फॉर्मूला था. यहाँ पे तो गामा वन गामा टू इक्वल है, एन वन एन टू इक्वल है, तो आई कैन जस्ट से टू टाइम्स ऑफ एन वन गामा वन अपॉन गामा वन माइनस वन टू टाइम्स ऑफ एन वन गामा वन माइनस वन, क्योंकि ये इक्वल होने की वजह से. ओके, क्योंकि इक्वल होने की वजह से तो आई कैन राइट डाउन सिंस वो लिखा ही हमने, बट विल बी एन वन इक्वल टू एन टू एंड गामा वन इक्वल टू गामा टू. तो टू टू भी कैंसिल हो गया आपका, एन वन एन कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बचा गया सिर्फ गामा वन, मतलब 5/3. सिंपल क्वेश्चन, तो 5/3 ऑप्शन नंबर सी इजी. सो व्हाट ट्रिक यू कैन यूज हियर इज दिस. अगर आपके पास दो टाइप दो गैसेस है, दोनों सेम टाइप की, मतलब मोनोटॉमिक है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो डायरेक्टली गामा मिक्सचर इज इक्वल टू गामा वन इक्वल टू गामा टू, खत्म. कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे. इफ यू हैव टू गैसेस बोथ मोनोटॉमिक बोथ हैविंग इक्वल नंबर ऑफ मोल्स देन गामा मिक्सचर इज जस्ट इक्वल टू गामा वन और गामा टू, दैट इज 5/3. So you don't have to solve anything here basically. Next question. Okay, so next question. Question number 9. When an ideal diatomic gas is heated at constant pressure, okay, the fraction of the heat energy supplied which increases the internal energy of the gas is theory. Theory बहुत important है. आपको याद होगा, हमने जब कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस मतलब आइसोबारिक प्रोसेस सीखा था, तो उसमें हमने बोला था जो हम लोग हीट सप्लाई करने वाले हैं, लेट अस से डेल्टा क्यू, ये दो काम करता है. एक तो ये वर्क डन करता है पिस्टन को ऊपर मूव करने के लिए, या फिर ये गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा. आइसोबारिक प्रोसेस याद रखना, आइसोबारिक प्रोसेस, राइट. इसमें पूछा है कि अभी द फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी, मतलब जो मैं एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ उससे वर्क डन भी होगा, उससे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा. तो हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी, मतलब आपको पूछा है व्हाट इज डेल्टा यू बाय डेल्टा क्यू, ये आपको पूछा है. तो आपको पता होना चाहिए डेल्टा यू एन सी पी डेल्टा टी होता है, एन सी पी डेल्टा टी होता है, मैं रॉन्ग बोल रहा हूँ, वो बेसिकली डेल्टा क्यू होता है. तो बेसिक्स पता होना चाहिए जब हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डिफाइन किया था, तो ये होता है एन सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू होता है एन सी पी डेल्टा टी. तो अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो क्वेश्चन बहुत लंबा होगा आपके लिए, अगर आपको बेसिक्स पता है तो यू कैन सॉल्व इट विद इन आई मीन ओरली बेसिकली आई कैन टेल यू दिस इज ओरल क्वेश्चन. कैसे बताता हूँ, इफ यू रिमेम्बर फॉर्मूला एन एन कैंसल डेल्टा डी डेल्टा डी कैंसल, तो ये हो गया वन अपॉन सी पी बाई सी वी, तो वन अपॉन गामा. आइडियल डायटोमिक गैस, आइडियल डायटोमिक गैस मतलब रिजिड की बात हो रही है, तो गामा की वैल्यू होती है 7/5, तो 1/7/5 है ना, तो मतलब ये आ जाएगा आपका 5/7. वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको याद होता क्या कि आइसोबारिक प्रोसेस में
हम जो हीट सप्लाई करते हैं वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है और वर्क डन करता है। हमारा यहाँ पे वर्क डन के साथ कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, टेम्परेरी। हम जो हीट सप्लाई कर रहे हैं उसका कितना फ्रैक्शन इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, मतलब डेल्टा यू बाई डेल्टा क्यू। अगर आपको याद होता है बाई डेफिनेशन डेल्टा यू इज एन सी वी डेल्टा टी एंड डेल्टा क्यू इज एन सी पी डेल्टा टी, तो आपको ये इमिडिएटली पता होता कि अरे वी आर टॉकिंग अबाउट सी वी बाई सी पी, सो दैट इज वन अपॉन गामा, क्योंकि सी पी बाई सी वी इज गामा, हियर वी हैव सी वी बाई सी पी, तो वन अपॉन गामा। और आइडियल डायटोमिक गैस मतलब रिजिड डायटोमिक गैस मतलब 7/5 गामा, मतलब 5/7 आपका आंसर। ये ओरल क्वेश्चन था इफ यू रिमेम्बर थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम 1 cm³ राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक 40 मीटर डीप एट अ टेम्परेचर ऑफ 12 डिग्री सेल्सियस, टू व्हाट वॉल्यूम डज इट ग्रो व्हेन इट रीच द सरफेस व्हिच इज एट 35। वेरी गुड क्वेश्चन। ये बॉटम ऑफ अ लेक है, यहाँ से ये बबल ऊपर जा रहा है। इनिशियल वॉल्यूम V1 इज 1 cm³, डेप्थ ऑफ लेक लेट्स से डी, आई विल से डी, दैट वैल्यू इज 40 मीटर, टेम्परेचर एट द बॉटम इज 12 डिग्री एंड टेम्परेचर एट द सरफेस इज 35 डिग्री सेल्सियस, टू वॉट वॉल्यूम डज इट ग्रो, मतलब ये टू फाइंड करना है बेसिकली आप लोगों को। तो सपोज टू फाइंड आउट वॉट इज द न्यू वॉल्यूम ऑफ दिस बबल, राइट। सो वॉट वी कैन यूज हियर इज, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि फिर पी वी इज अपॉन टी इज एन आर होता है, मतलब कॉन्स्टेंट होता है बेसिकली, दिस इज ए कॉन्स्टेंट। इसका मतलब पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू मैं लिख सकता हूँ। माई एम वॉज टू फाइंड आउट वी टू, तो वी टू हमारे पास आ जाएगा पी वन वी वन राइट पी टू और टी टू बाई टी वन, है ना, पी वन वी वन टी टू, यस, पी टू टी वन, यस, गुड। तो डू आई नो पी टू, डू आई नो पी वन, तो हमको अगर वी टू फाइंड करना है तो वी वॉन्ट टू फाइंड आउट वॉट इज प्रेशर एट दिस बॉटम वन। प्रेशर एट द सरफेस इज जस्ट एटमोस्फेरिक प्रेशर, वी ऑलरेडी नो दैट, तो हमको पता होता है राइट right? ओके तो कैसे फाइंड करेंगे वो देखना पड़ेगा। तो डेप्थ पे प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे वो आपको देखना पड़ेगा, कैसे करोगे, बट पी वन इज वॉट एच रो जी, एच की जगह पे डी क्योंकि डेप्थ लिखा है मैंने, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है वहाँ पे, जीरो। डेप्थ इज 40, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10^3 मान लेते हैं क्योंकि दिया नहीं है, तो जी 10 मान लेते हैं, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा जो भी होगा 1 atmosphere that is around roughly 10^5, है ना, तो आपको याद होगा वो 10^5 में होता है, 1.01 something 10^5 होता है, 1.013 10^5। तो यू हैव टू डू दिस, मैं सिर्फ आपको रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ। सो फाइनली आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस यू विल गेट 4933 पास की, क्योंकि मैंने वो करके रखा है, तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट एग्जैक्ट वैल्यूज एंड सॉल्व राइट, तो आपको एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूट करके करना पड़ेगा। तो पी वन तो मिल गया, वी वन पता है, टी टू पता है, टी वन पता है, और पी टू, पी टू तो एटमोस्फेरिक प्रेशर ही है ना, पी टू इज जस्ट एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो वी टू विल बी एटमोस्फेरिक प्रेशर। पी वन की वैल्यू आएगी आपकी 4933 वो सिंप्लीफिकेशन आप कर लोगे। वॉल्यूम 1 cm³ को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो बेटर, 10^-6, क्योंकि 1 cm³ इज 10^-6 m³। टेम्परेचर टी टू दैट इज 35, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टी टू इज 35 डिग्रीज राइट, यस, प्लस 273 कर लोगे तो 308 आ जाएगा, अपॉन पी टू इज जस्ट 1 atmospheric प्रेशर, सो दैट इज 1.013 10^5 इन SI यूनिट्स, मल्टीप्लाइड बाई टी वन, टी वन कितना था 12 डिग्री, 12 में 273 ऐड कर लिया तो 285 बन जाएगा आपका। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यू हैव टू सॉल्व दिस एंड वॉट एवर विल यू विल गेट विल बी समथिंग इनटू 10^-6 m³।
क्योंकि आंसर मीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो यू हैव टू डू कैलकुलेशंस फॉर योरसेल्फ एंड प्रिसाइज कैलकुलेशंस फॉर योरसेल्फ। सो कैलकुलेशन सिंपल कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं कि आप अगर नंबर्स पे ध्यान दोगे तो व्हाट यू कैन सी इज दिस इज 285 एंड 308 रफली 1.1 रफली 1.1 इनटू 49300 विल बी 53 समथिंग 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 रफली। तो बाकी के पावर्स आप एडजस्ट करोगे तो पावर एडजस्ट करने के बाद आपको 5.3 इंटू 10 पावर माइनस 6 मिल जाएगा, बट यू विल हैव टू डू द एडजस्टमेंट्स ऑफ पावर फॉर योर सेल्फ। दैट इज वेरी सिंपल टास्क टू डू। तो 5.3 इंटू 10 पावर माइनस 6, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू कैलकुलेशंस विच आर प्रीटी सिंपल रियली। ओके, सो विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। This question I will leave as an assignment for you. Twelfth, if the pressure and volume of a certain quantity of ideal gas are halved, so basically pressure final is half of initial and volume final is half of initial. So temperature ke saath kya hona chahiye? This is what they are asking you. Temperature should be 1/4 basically. Why 1/4? Abhi maine likha tha just now. Kya likha tha humne? P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. Ideal gas ke liye ideal gas law hai na? PV equal to NRT. NR to constant hota hai, to aap isse likh sakte ho. Our task was to find out T2. Simple. So T2 will be P2 by P1, V2 by V1, right, times T1. So P2 by P1 is half, V2 by V1 is half, and T1 to 1/4. या फिर इससे फास्ट करना होगा अगर आप लोगों को, you want to go faster than this, simple. कैसे simple? PV is equal to NRT, NR constant, तो PV is proportional to temperature. तो ये आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलते जाना चाहिए. तो टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल विल बी दिस थिंग, राइट? तो P2 पर P1 हाफ, V2 पर V1 हाफ, तो ये इतना भी नहीं करने की जरूरत थी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी देख लेते। ओके, T2 बाई T1, P2 बाई P1 इंटू V2 बाई V1, तो हाफ हाफ 1/4 खत्म, तो 1/4। ऑलराइट, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। The temperature of an ideal gas is increased from 27 to 127, then the percentage increase in the VRMS is. ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने पहले देखा है। एनीवेज, पहले तो आपको परसेंटेज इंक्रीज पता होना चाहिए इन VRMS, फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100, ये बताना चाहिए। दूसरों को बताना चाहिए कि VRMS, जिसको मैं फिलहाल V से डिनोट कर रहा हूँ, इज अंडर रूट ऑफ, इफ यू रिमेंबर 3RT बाई M था ये फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर अंडर रूट ऑफ 3RT बाई M, तो 3RT बाई M, R कांस्टेंट, M कांस्टेंट, क्योंकि गैस सेम ही है, 3 कांस्टेंट, दैट मींस V इज प्रोपोर्शनल टू T, गुड। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो क्वेश्चन फास्ट सॉल्व होते हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो परसेंटेज इंक्रीज। सो आई विल डायरेक्टली राइट डाउन परसेंटेज इंक्रीज इन वी इज अंडर रूट ऑफ T2, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी देख रहा हूँ मैं सिर्फ, T1 अपॉन रूट ऑफ T1 मल्टीप्लाइड बाय 100, अंडर रूट ऑफ T2 127 में 273 ऐड करोगे तो दैट बिकम्स 400, माइनस अंडर रूट ऑफ 300 अपॉन अंडर रूट ऑफ 300 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो दिस इज 20, डेफिनेटली 400 का रूट 20 आता है, 300 का रूट आता है आपका 17 स्क्वायर एंड 18 स्क्वायर के बीच में, तो यू कैन डू इट ऑन कैलकुलेटर, आई विल जस्ट डू इट नाउ, नॉट कैलकुलेटर, बेसिकली यू विल हैव दोस टेबल्स, सो इफ आई डू दिस कैलकुलेशन अंडर रूट ऑफ 300, इट इज डेफिनेटली बिटवीन 17 एंड 18, नो डाउट अबाउट इट. Let me just see. It is
17.32. So 17.32 upon 17.32 multiplied by 100. So 20 minus 17.32 will be 2.67, roughly 68 upon 17.32 multiplied by 100. तो ये आप करोगे, ये आपको खुद को करना है कैलकुलेशंस, अराउंड 15.5% आपका आंसर आएगा. है क्या 15.5? यस. नाउ हाउ एम आई सपोज टू डू इट ओरली? अंडर रूट ऑफ 400 आपको पता है 20, अंडर रूट ऑफ 300 आपको पता है 17 और 18 के बीच में, राइट? डजंट मैटर इफ यू टेक 17.3 17.4, तो फर्क नहीं पड़ता. अगर मैं 17.3 ले लेता तो 20 माइनस 17.3 इज 2.7, 2.7 और नीचे 17.3 आता है. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस स्टेप के आगे, डायरेक्टली इस स्टेप के आगे आप 400 को रूट 20 लेते, ये 17.3 लेते या 17.3 लेते हैं 200. मैं रफ कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ. क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि आई कैन सी 11 के बाद 15 है, उसके बाद 37 और 33 है, तो डिफरेंस ऑप्शंस में डिफरेंस ज़्यादा है, तो आई कैन यूज अप्रोक्सीमेशन हियर. तो 2.7 अपॉन 17.3 इंटू 100, राइट? तो मैं 3/18 तो मान सकता था ना इसको, हाँ. तो यू कैन डू दैट वे ऑल्सो, राइट? तो 3/18, 1/6, यू कैन सॉल्व द वे यू वॉन्ट इट. ये आपका अराउंड 15% के आसपास आता है, रफ कैलकुलेशन से भी आता है. तो द वे यू आर कंफर्टेबल, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ कैन यू सेव योर टाइम इन कैलकुलेशंस. ओके, अप टू यू, हाउ डू यू वांट टू डू इट.